को आप सुन रहे थे। कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इलाहाबाद में फूलचंद पासी के परिवार से मिलकर उनकी पीड़ा साझा की। फूलचंद पासी समेत परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई थी। पड़ोस के ही दबंगों पर हत्या का आरोप है। परिवार की महिलाओं ने कांग्रेस महासचिव को अपनी पीड़ा बताई। फूलचंद पासी के परिजन ने स्थानीय पुलिस में संरक्षण का आरोप लगाया। परिजन ने बताया कि उनकी बात नहीं सुनी जाती और स्थानीय प्रशासन खुलकर दबंगों का साथ देता था। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस सरकार में गरीबों, दलितों और वंचितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज देश संविधान दिवस मना रहा है। ये जो पीड़ित परिवार है, जिनके परिवार की हत्या की गई है, ये उनके भाई हैं। ये एसएसबी में झारखंड में काम करते हैं, मतलब इस देश की सुरक्षा को ये देखते हैं, ये करते हैं, हम पकड़े हैं। और ये उस एरिया में काम करते हैं जहाँ पे नक्सल बहुल एरिया है, तो ये देश की सुरक्षा कर रहे हैं और इनको क्या मिल रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ, इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? जो वीडियो मुझे दिखाए गए हैं और जो मुझे बताया गया है कि जिस तरह से ये हुआ है, मैं खुद हिली हुई हूँ और दहशत में है परिवार। सब परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। महिलाएं हैं सारी, एक पुरुष हैं जो झारखंड में काम करते हैं।